सबसे पहले मुझे लेट मानू आपका, मैं अपने जिला में जनपद में आपका स्वागत करता हूं। और बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के चार चार बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी में आयोजित तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए, आपने जो सवाल किया, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है, न गठबंधन न एनडीए, बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 543 सीट पे अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारे हैं। तो अगर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई क्यों लड़ा है, क्या गठबंधन लड़ा है या एनडीए लड़ा है, आप बता दें। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई चाहे बाबा साहब संघर्ष से बदौलत, मान्यवर साहब के संघर्ष बदौलत, आज बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती संघर्ष बदौलत संघर्ष कर रही है सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, असमता मूलक समाज को बराबरी दर्जा दिलाने के लिए। आप देखे होंगे 2007 से 12 तक सरकार रही, 17 से 22 तो दो भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी चल रही है। तो ये तीनों सरकार में आप कंपेयर करेंगे, कानून द्वारा कानून का राज बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिला, सरकार में मिला, शासन प्रशासन अनुशासन बहुजन समाज पार्टी सरकार में मिला, बहन जी की सरकार में मिला, बहुजन समाज पार्टी सरकार में सर्व समाज को सम्मान मिला, हक अधिकार मिला, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो ठाकुर समाज का हो, चाहे वो बनिया समाज का हो, चाहे किसी समाज का, सोनकर समाज का पासी, बहन जी ने स्वर समाज को सड़क से लेके संसद तक पहुंचाने का काम किया। और सवाल आ जाता ना साहब, अगर सबका ध्यान रखा जो आप हमको बोल रहे हैं कंपेयर कर लीजिए, जनता कर रही होगी, फिर वो सत्ता क्यों नहीं दिखती? अब जनता देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भकामे में 5 साल आई, 10 साल आई, अब जनता साइलेंट हो गई है, अब जनता याद कर रही है कि 2007 से 12 तक सरकार कैसी थी, 12-17 कैसी थी, 17-22। तो इसी सरकार में अब जनता जान चुकी है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती मनीष त्रिपाठी को मिर्जापुर जनपद से भारी बहुमत जिता करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस देश के प्रधानमंत्री बनाए, तभी देश में कानून व्यवस्था। उधर जा रहा हूं, पर उससे पहले एक जो इन्होंने बात पूछी कि क्यों नहीं आपके भाषणों में विकास की बात आती है, जैसे उन्होंने कहा कि अगर 40 मिनट बोला गया तो विकास क्यों नहीं? देखिए, हम मिर्जापुर की बात कर रहे हैं ना, हम मिर्जापुर के सेंस में मैंने कहा ना कि हम लोग जो है विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, और रह गए विकास का इतना ज्यादा हुआ है मित्रवर ना कि वो तो वही वाली बात आ रही है कि ऐसे ऐसे मंजर अब आने लगे हैं, लोग गाते गाते अब चिल्लाने लगे, बस चिल्लाने के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। देखिए कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ डंके के चोट पे कुछ नहीं, यार चुप रहिए। कांच की घाड़ी जो है आप बार बार नहीं चढ़ा सकते, दो बार जनता ने सपा को यहाँ देख लिया है, वो जी नजर नहीं है, नजारा नजर नहीं है। मुहावरा हुआ, ये भी खुश हुआ आपने बोला तो, आप बहुत देर से खड़ी हैं जी। देखिए ये 2014 से जुमले की बरसात कर रहे हैं पूरे देश में। सच्चाई ये है कि आज भी हमारा नौजवान भाई बेरोजगार है, बहनें असुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। क्या चुनाव जिंदगी भर बिजली पानी पर ही होना चाहिए? नौकरी के लिए नहीं, जो बोलेगा नौकरी के लिए उसको देशद्रोही बता के आप जेल में डाल दोगे, जो महंगाई की बात करेगा उसको पाकिस्तानी बता दोगे, ये कोई तरीका है? लोकतंत्र संविधान हमारा अधिकार है, हमें अपनी आवाज उठाने का, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आवाज दबाने का काम ये सरकार, आज 900 का सिलेंडर है, अभी 1200 का सिलेंडर आ रहा था, अभी चुनाव बीतेगा कि 1200 सिलेंडर हो जाएगा, 200 किलो दाल है। आप बोल रहे हैं आपकी सरकार आ रही है तो चुनाव के बाद कैसे 1200 हो जाएगा? सुनिए ना, सरकार तो मेरी आ रही है, लेकिन जो लोग जुमलेबाज है मैं उनकी बात कर रही हूँ, अभी तक जुमलेबाजी करते आ रहे हैं, लेकिन अब देश की जनता जुमले में नहीं आने वाली है। अब वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सारी सुविधाएं इंडिया गठबंधन की सरकार, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है 8,500 रुपया गरीब महिला के खाते में हर महीने जाएगा, सरकार आते ही 30 लाख नौकरी नौजवानों को मिलेगी। मैं आ जाता हूँ, वहीं आ जाता हूँ, आ रहा हूँ एक मिनट। ये बताइए आप लोगों का दल जो है, वैसे तो बड़े बड़े जो तमाम नेता है वो तो कहते हैं कि किधर भी चले जाओ, पर खड़े आप लोग इधर ही दिखाई दे रहे हैं आजकल जमीन पर। माननीय लोकप्रिय सांसद हम सबके आदरणीय माननीय अनुप्रिया पटेल जी, जो कि लोकप्रिय भी हैं और संसद में बात भी उठाती हैं, लोगों की समस्याओं को वो एक जांच से ले ली हैं। आज वो कुछ दिन पहले कुंडा विधानसभा प्रतापगढ़ में राजा भैया के पास क्षेत्र में जाती हैं और बयान देती हैं कि कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, राजा अब ईवीएम से पैदा होता है। और ये जो क्षेत्र है ये किसी की जागीर नहीं है। आप पढ़ी लिखी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और
आप हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और ऐसा प्रतिनिधित्व आप इन शब्दों के साथ करेंगी तो हमारे क्षेत्र का क्या नाम होगा, आपसे उम्मीद नहीं थी। अगर आप आठ पास होती तो बोलती अच्छा लगता, आप पोस्ट ग्रेजुएट है, शिक्षा में शक पैदा कर दी है आप जनपद मिर्जापुर में। एग्जिट पोल 2024 एक जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।